तीन साल में मैंने सिक्स पैक्स भी बगैर स्टीरॉइड्स के बनाए, अपने जिस्म पे कटिंग भी बनाई है। मैं वो पिक्चर आपको अभी वीडियो में मेरी शो हो रही होगी, ये बॉडी मैंने बगैर स्टीरॉइड्स के बनाई है। तो आप इस तरह की फिजिक बना सकते हैं, लाजमी आप करें स्टीरॉइड्स के बगैर। एक एवरेज, एक आइडियल फिजिक बना सकते हैं, मॉडल फिजिक भी बना सकते हैं आप स्टीरॉइड्स के बगैर। और जिस वक्त मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन जो ये नज़र आ रही है आपको, ये मेरा स्टार्टिंग था जब मैंने बॉडी बिल्डिंग शुरू की थी। तो जब मैंने क्या कहते हैं, उस वक्त ना मुझे इतनी नॉलेज थी डाइट के हवाले से और ट्रेनिंग के हवाले से। अगर आप प्रॉपर डाइट और ट्रेनिंग अच्छी करके ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे बगैर स्टीरॉइड्स के, तो इससे भी अच्छी कंडीशन हो सकती है आपकी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ रमीज़ इब्राहिम खान। और जैसा कि हमारे एक फॉलोअर ने जो है हमें एक टॉपिक का बोला था कि स्टीरॉइड्स के बगैर बॉडी बनती है या नहीं, तो काफ़ी दिन पहले उनका मैसेज आया हुआ था। वो जाहिर है बैक टू बैक वीडियोस हैं और भी लोगों के टॉपिक्स हैं, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता सबके टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। और एक और बात मैं आपके इजाफे में ले आऊँ कि ये चैनल जो है ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए भी है। ये मेल एंड फीमेल दोनों के बारे में है। और जो फीमेल्स हैं अगर वो भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहती हैं फिटनेस के हवाले से, तो वो ज़रूर मुझे DM कर सकती हैं। मेरा लिंक शो हो रहा है नीचे इंस्टाग्राम का, इस पर वो जो है मुझे मैसेज कर सकती हैं कि किस टॉपिक पे मैंने उनके लिए डिस्कशन करूँ जो उनके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो आगे कुछ टॉपिक्स आ रहे हैं फीमेल्स के, उनके बारे में भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टीरॉइड्स के बगैर बॉडी बनती है या नहीं, स्टीरॉइड्स के बगैर बिल्कुल बॉडी बन सकती है, लेकिन अगर आपको प्रो लेवल और एक बड़े लेवल पे जाना है, कॉम्पीट करना है, अगर आपने ये कह लें कि मिस्टर कराची करना है, मिस्टर सिंध करना है, या पाकिस्तान लेवल जाना है, या इंटरनेशनल लेवल पे जाना है, तो उसके लिए तो स्टीरॉइड ज़रूरी है। हाँ, अगर आप छोटे से डिस्ट्रिक्ट लेवल के मुकाबले खेलने हैं और अपना आपने जो है वो फिटनेस के लिए अपनी बॉडी को अच्छा करना है या कोई शूट कराना है, तो आपकी बॉडी स्टीरॉइड्स के बगैर श्रेडेड और अच्छी, मतलब देखने वाले को इम्प्रेस कर सकते हैं, आप दिखा सकते हैं ऐसे मसल्स बना के नेचुरल पे। क्योंकि होता ये है कि मैं इसमें अगर आप डाइट प्लान अच्छा लें और ट्रेनिंग अच्छी करें तो उसमें भी आपकी बॉडी अच्छी हो सकती है, लेकिन कुछ टाइप्स ऑफ बॉडीज ऐसी होती हैं कि वो डाइट और ट्रेनिंग करने के बाद भी सेट नहीं हो रही होती, तो फिर वहाँ मजबूरी हो जाती है कि वहाँ उनको सप्लीमेंट्स भी लाया जाता है और सप्लीमेंट्स के साथ साथ फिर थोड़ा बहुत स्टफ़ भी यूज़ कराया जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि आप ये कॉन्सेप्ट जो है अपने जहन से निकाल दें कि लड़के अगर जिम जा रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि स्टीरॉइड्स के बगैर बॉडी नहीं बनती, तो बॉडी बनती है। मैंने स्टीरॉइड्स के बगैर एक्सरसाइज की है और तकरीबन मैंने स्टीरॉइड्स के बगैर 3 साल वर्कआउट किया है। उन 3 साल में मैंने सिक्स पैक्स भी बगैर स्टीरॉइड्स के बनाए, अपने जिस्म पे कटिंग भी बनाई है। मैं वो पिक्चर आपको अभी वीडियो में मेरी शो हो रही होगी, ये बॉडी मैंने बगैर स्टीरॉइड्स के बनाई है। तो आप इस तरह की फिजिक बना सकते हैं, लाजमी आप करें स्टीरॉइड्स के बगैर। एक एवरेज, एक आइडियल फिजिक बना सकते हैं, मॉडल फिजिक भी बना सकते हैं आप स्टीरॉइड्स के बगैर। और जिस वक्त मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन जो ये नज़र आ रही है आपको, ये मेरा स्टार्टिंग था जब मैंने बॉडी बिल्डिंग शुरू की थी। तो जब मैंने क्या कहते हैं, उस वक्त ना मुझे इतनी नॉलेज थी डाइट के हवाले से और ट्रेनिंग के हवाले से। अगर आप प्रॉपर डाइट और ट्रेनिंग अच्छी करके ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे बगैर स्टीरॉइड्स के, तो इससे भी अच्छी कंडीशन हो सकती है आपकी। तो ये मिथ है, इसको अपने जहन से निकाल दें कि स्टीरॉइड्स के बगैर बॉडी नहीं बनेगी, स्टीरॉइड्स के बगैर बॉडी बन सकती है। तो गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन, मज़ीद मालूमात, मज़ीद टॉपिक्स डिस्कस होते रहेंगे। आगे जाके हम वर्कआउट्स भी करेंगे और आगे जाके कुछ इंटरव्यूज़ भी लाएंगे। और इंशाल्लाह कमिंग वीक में हमारा जो है एक शो आने वाला है, उसमें कुछ हंसी मजाक भी करेंगे, कुछ फ़न भी करेंगे, कुछ मस्ती भी करेंगे। जाहिर है कि हर तरह का होना चाहिए आपको कंटेंट, हर तरह का नज़र आना चाहिए आपको, हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि बॉडी बिल्डर जो होते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो कुछ हो, उनकी उनकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है और वो
हंसी मजाक भी करते हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी करते हैं। तो स्टे ट्यून और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसके मतलब आप कोशिश करें इसको आगे फॉरवर्ड करने की और पूरी वीडियो देखें। थैंक यू।